हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। कक्षा 10वीं का हिंदी असाइनमेंट जो है आ चुका है। सारे सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मेरे चैनल में आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी को पता है पिछले जो असाइनमेंट था अक्टूबर, अगस्त और सितंबर का, ये तीनों हिंदी और नहीं कक्षा 10वीं और 12वीं के सारे सब्जेक्ट के मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाले थे। तो आइए देखते हैं कक्षा 10वीं हिंदी का असाइनमेंट आंसर। नवंबर का सारे प्रश्नों के आंसर जो है बेस्ट प्रिंटेड में है ना, आप लोग को साफ सुथरा राइटिंग में मिल रहा है, ठीक है। तो देखते जाइए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे वे जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वीडियो जो आपका वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसके भी वीडियो अपलोड कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, मरिया प्रथा ने शिव कुमार की ज़िंदगी को किस तरह से बदल दिया। तो देखिए आंसर, मरिया प्रथा के कारण शिव कुमार को खेती बेचना पड़ा। जीवन यापन का साधन न होने के कारण उसे घर के गहने को बेचकर पुलिस में नौकरी करनी पड़ी। कब्जा हटवाने जाने पर जनता ने उसके साथ मारपीट किया और उसको घायल कर दिया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, है ना, जो लिखा हुआ है इसको इसलिए पढ़कर सुनाया जा रहा है ताकि कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको बता सकूं। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, कोठी में धान छलक जाए या जिंदगी फिर चमक जाए, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ है दोस्तों, देश धन्य धान से पूर्ण हो जाए और जिंदगी में आनंद आ जाए। जिस प्रकार कोठी अर्थात धान रखने का स्थान को धान काट लेने के बाद कोठी में रखते हैं और भर दिया जाता है तो किसान बहुत ही खुश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में आनंद होना चाहिए, है ना, यानी प्रसन्नता होना चाहिए, यही इसका अर्थ है, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूट के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहता है। बांझ के हरे भरे पेड़ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि जिसके जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, उसमें जीवन ही नहीं है। हिलना डुलना परिस्थितियों से समझौता करना हरा भरा पेड़ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 का, बा है तानाशाही क्या है, इसकी जीवन शैली कैसी होती है। तो तानाशाही जो है अपने ही बात को मनवाना चाहता है, दुनिया को अपने ही बात को सही कहता है और दूसरे की बात को वो गलत ठहराते हैं, ऐसे लोगों को हम तानाशाह कहते हैं। दिए गए पद्यांश का अर्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना से लिया गया है, प्रसंग है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि पढ़ने से समय जो है ज़्यादा चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि निबंध भी है, निबंध को मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, ठीक। वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो जो है कम लंबाई का होता है और आंसर मैं सही देता हूँ, है ना। बाकी लोग जो है एक ही प्रश्न उत्तर को 10 मिनट 15 मिनट का बनाते हैं, है ना, लेकिन मेरे वीडियो आप लोग को 4 से 3 मिनट में ही कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5वां है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है स्वच्छ भारत अभियान पर। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ये एक सफाई अभियान है दोस्तों, यानी कि देश को स्वच्छ रखने का एक अभियान है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए, मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने से भी लिखने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छा नंबर मिले, है ना, इसमें आपको 20 में 20 नंबर अवश्य मिलेगा। इसको आपको 200 शब्दों में लिखना था, मैं 200 शब्दों में इसको लिखा हूँ। अब स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया, इसका कारण दिया गया है नीचे, देखिए आपके, है ना, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, मैं स्क्रीन को थोड़े थोड़े देर में खिसकाते रहूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान का असर क्या था, उसके बाद निष्कर्ष है। तो इस प्रकार आपके हिंदी के सारे क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, इसमें जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश, है ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे के जो है इसमें मिलेगा दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप, है ना, दूसरे चैनल का अगर आंसर लिख रहे हैं तो आंसर तो लिख लेंगे असाइनमेंट का, लेकिन आपको वार्षिक परीक्षा के समय कोई जो है सहायता नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सहायता सिर्फ इस चैनल से मिलने वाला है आपको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसको इंग्लिश मीडियम वालों को सारे आंसर मिलेंगे।